नमस्कार दोस्तों मैं हूं हर्ष और आप सभी का स्वागत है वर्मा ऑनलाइन चैनल पे दोस्तों आज हम लाए हैं इंडियन पोस्ट का फॉर्म भरने का तरीका लेकर दोस्तों ग्रामीण डाक सेवा की तरफ से जानते हो आप नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है यहाँ पर दोस्तों 22 मई से लेकर फॉर्म स्टार्ट हो चुका है जो कि बारह पोस्ट के लिए फॉर्म भराने वाला है दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छा मौका है जो लोग दसवीं में टॉप आए हैं उसके लिए तो बाईस मई दो से लेकर ग्यारह जून दो तक ये फॉर्म को भरना है दोस्तों तो आज हम आपको बताएंगे कि फॉर्म कैसे भरना है क्या क्या चीज़ इसमें आपको जानकारी रखना है सबसे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दी साथ ही साथ चैनल को अपने दोस्तों और फैमिली के बीच शेयर कीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो और हर एक जॉब वैकेंसी आपके आपके घर वाले दोस्त यार भी देख सके और सीख सके फॉर्म भरना तो चलिए शुरुआत करते हैं अभी आप देख सकते हो हम है एस के मेन वेबसाइट पर दोस्तों यहां पर लेफ्ट साइड देख रख रहे हो तो रजिस्ट्रेशन स्टेज वन का ऑप्शन दिया है इसमें रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया है तो इसी रजिस्ट्रेशन में आपको क्लिक करना है जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे दोस्तों तो ये आपका फॉर्म के अंदर चला जाएगा यहां पर देख सकते हो जिसमें मेल आईडी मोबाइल नंबर आप नाम डेट ऑफ बर्थ जेंडर कम्युनिटी उसके बाद यहाँ पर कौन सा बेच मतलब कौन सा सर्कल से मतलब कौन से स्टेट से आप बारहवीं दसवीं पास हो यहाँ पर दसवीं की बात हो रही है तो दसवीं पास हो दसवीं का स्कूल कौन सा था और यहाँ पर कैप्चा तो चलिए इसको भर लेते हैं और इसके बाद दोस्तों सबसे पहले बता दें यहाँ पर जब नंबर डालोगे तो नंबर को वैलिडेट करना पड़ता है मेल को भी वैलिड करना पड़ता है जैसे कि यहाँ पर आप नंबर डालोगे वैलिड ओ करोगे दोस्तों तो यहाँ पर एक ओ आएगा तो यहाँ पर जो लोग एक चीज़ और बता दे रहा हूँ जैसे आप होम पेज में जाओगे यहाँ पर एक नियम और है दोस्तों जैसे कि आप जानते हो कि पहला अगर स्टेज ये पहला जो आप अगर रजिस्ट्रेशन कर लिए हो यहाँ पर लिखा है देख सकते हैं न्यू बोल के इफ़ ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन इन जनवरी 2023 में तो डायरेक्ट कीक ऑन सेक्टर स्टेप टू मतलब कि अगर आप नया रजिस्ट्रेशन कर लिए हो अगर आप ये वाला फॉर्म को भर लिए हो दोस्तों अगर पिछले बार आप डाक सेवा में अप्लाई किए हो तो आपको डायरेक्ट सेकंड फेज को अप्लाई करना है अगर नहीं किया हो तो ये सबको आपको भर लेना है और वेलिड मोबाइल ओ करके इसको वेरीफाई करने के बाद आगे बढ़ना है इन सबको भरकर मोबाइल नंबर मेल आई नाम डेट ऑफ बर्थ मेल उसके कम्युनिटी कम्यूनिटी तो मेल फीमेल यहाँ पर देख लेना मेल फीमेल क्या है उसके नीचे में दिया है ई दिया है ओ वी सी एटेज सी उसके बाद यहाँ पर छत्तीसगढ़ के आप दसवीं में पढ़े हो कि कहाँ से पढ़े हो उसके बाद कौन सी ईयर में पढ़े हो उसके बाद कैप्चर तो इसको रजिस्ट्रेशन कर लेना है दोस्तों यहाँ से तो रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है बता दिया मैं यहाँ पर आपको नंबर वगैरह डालना है पूरा नंबर वगैरह डालोगे और टोटल डालने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन में सबमिट करना है ओ आएगा मोबाइल में ई मेल में उसके बाद आपको भरना है तो यहाँ से चलिए हम भर देते हैं ये हमारा वेरीफाई भी कर ली है दोस्तों वेरीफाई कर लेते हैं वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो हम पूरा ओ वी सी एस टी सी है तो वहाँ पर ओ वी सी है पूरा डाल लिए इसके बाद यहाँ पर डालने के बाद आपको एक कैप्चा है कैप्चा को डालना है तो ये पूरा डिटेल भरने के बाद आपको सीधा सबमिट क्लिक करना है सबमिट करोगे तो एक आपको आई डी मिलेगा दोस्तों जो आई डी रहेगा तो मैं दिखाता हूँ चलिए आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए स्टेप टू को अगर वन हो जाता है तो स्टेप टू अप्लाई में आपको क्लिक करना है जैसे आप अप्लाई में क्लिक करोगे दोस्तों तो यहां पर देख सकते हो इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है और यहाँ पर कौन सा सर्कल में आप डाले थे तो ये चीज़ को आपको है और आलरेडी अप्लाई की तो आप स्टेटस भी चेक कर सकते हो और यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ अगर आपके पास यहाँ पर अप्लाई के लिए एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो आप फॉरगेट भी कर सकते हो फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर तो यहाँ से देख सकते हो मोबाइल नंबर जैसे डालोगे अगर आपके पास हो गया है तो हम आप मोबाइल नंबर डालते हैं सबमिट करेंगे दोस्तों सबमिट जैसे करेंगे तो एक ओ टी पी जाएगा आप मोबाइल में जो ओ टी पी जाएगा मोबाइल में दोस्तों यहाँ पर उसको डालना है चलिए आप ओ टी पी डाल डालकर देखते हैं कि किस प्रकार से आता है तो हम यहाँ पर देख सकते ओ तो टी पी डाल देते हैं तो ओ टी पी डालें सबमिट किए सबमिट जैसे किए थे यो रजिस्ट्रेशन नंबर सेंड टू योर मोबाइल नंबर तो मोबाइल नंबर तो में हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा दोस्तों जो मोबाइल नंबर में रजिस्ट्रेशन आएगा उसी को हमको यहाँ पर डालकर आगे फॉर्म को भरना रहेगा तो रजिस्ट्रेशन का आपको बता ही दिया हूँ कि किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको आपके जो फॉर्म है वहाँ पर एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा जो कि आपका अलग अलग रहेगा दोस्तों जो पुराना भरे वही तो यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर को अगर नहीं मिलेगा तो आपको फॉरगेट करने के लिए भी बता दिया हूँ कि कैसे आपको फॉरगेट करना है उसके बाद आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है छत्तीसगढ़ के बाद सबमिट में आपको क्लिक करना है जैसे सबमिट में क्लिक करोगे तो आपके एक मोबाइल में ओ जाएगा और यहाँ पर एक बार आ जाएगा जैसे यहाँ पर बार कोड आता है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो तो आपको ओ को यहाँ पर डाल लेना है ये ओ टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको पहले आप जानते हैं जनवरी में फरवरी में अपना लोग फॉर्म डाले थे ठीक है दोस्तों तो जनवरी फरवरी में डाले थे तो उन लोग को दोबारा नया रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है जो लोग पुराना फॉर्म डाल चुके सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर आगे बढ़ना होगा और अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास नहीं है तो आपको फॉरगेट भी करने बता दिया हूँ उसके आप फॉरगेट कर लोगे तो यहाँ पर देख सकते हो हम यहाँ पर डाल दिए और इसको नेस्ट कर रहे हैं नेस्ट जैसे कर रहे हैं दोस्तों तो हमारे यहाँ पर देख सकते हो नाम आ गया है उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है और उसके बाद यहाँ पर उन्नीस अपना डेट ऑफ बर्थ आ गया है उसके बाद आपको एड्रेस लिखना है एड्रेस लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे पीछे जैसे आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर पूरा एड्रेस जो भी लिखना है यहाँ पर एड्रेस लिख सकते हो दोस्तों अपने एड्रेस पूरा भर देना है एड्रेस के बाद आप कौन सा बोर्ड से पास हुई हो बोल के तो यहाँ पर दो ऑनवर्ड है इसी को डालोगे तब जाकर आपको दोस्तों पूरा सब्जेक्ट मिलेगा ठीक है छत्तीसगढ़ वाले हो तो छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रायपुर 2003 हज़ार तीन ऑन वार्ड इसी ऑन वार्ड को ही डालना है आपको इसके नीचे ऊपर को डालोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा सेंट्रल बोर्ड वाले हैं तो सेंट्रल बोर्ड डालना है इंडियन सर्टिफिकेट है ओपन स्कूल है तो ओपन डालना है और नेशनल ओपन रहेगा तो नेशनल ओपन सभी का ऑप्शन दे दे रहा है तो यहाँ पर जैसे आप डालोगे तो यहाँ पर देख सकते जैसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जितना जो जो सब्जेक्ट पढ़े थे उसको वहाँ पर डालना है दोस्तों उसके बाद नीचे में आपको संस्कृत हिंदी क्या पढ़े हो सबको डाल देना है तो हम संस्कृत तो यहाँ पर जितना पाए हो उसको लिख देना है यहाँ पर जैसे इस प्रकार से आपको भरना है जो भर रहा हूँ ऐसे भरोगे उसके बाद आगे बढ़ना है यहाँ से जिस देख सकते हो वहाँ पर आगे बढ़ जाओगे तो आगे से कंटिन्यू दिया है आगे बढ़ने के बाद आपको जिला जैसे चयन करना है कि कौन कौन से जिले में अप्लाई करना है तो उस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा चलिए उसको भी हम बता देते हैं आपको देख सकते हो सिलेक्टेड डिविज़न अप्लाइंग फॉर कौन सा डिवीज़न में आप सब अप्लाई करना चाहते तो हम कहाँ किए दोस्तों आपका रायगढ़ डिवीज़न में रायगढ़ डिवीज़न में देख सकते हो तो ये इतना सारा पूरा दिखा दिए है पूरा प्रिफ्रेंस है और इस प्रिफरेंस कैसे डालना है आपको मैं बता देता हूँ देख सकते ये आपका इस प्रकार से वेकेंसी दिखा रहा है पूरा यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको ये पूरा वेकेंसी दोस्तों आपको प्रीफ्रेंस एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर पाँच नंबर छः नंबर सात नंबर आठ नंबर नौ नंबर ये नौ नंबर देख सकते हो नौ यहाँ से आपको नौ नंबर डालना है और तो ये दस उसके बाद यहाँ पर सेकंड में भी जाना है चाहते हो तो सेकंड में आप जा सकते हो दोस्तों उसका ये ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह नहीं और ये बीस यहाँ डालकर आपको क्या करना है यहाँ पर आई डिक्लेयर दे दिया है उसको क्लिक करना है ठीक है दोस्तों आप जितना भी चाहो उसको डाल सकते हो और जितना भी एलिजिबलिटी के एरिया एरिया रहेगा उसमें सभी को आप डाल सकते हो आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर सब कुछ दिया है हिंदी 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 बोल के तो यहाँ पर टोटल कितने हैं दोस्तों सत्तर ठोक आपको दिखा रहा है कहाँ पर रायगढ़ में तो यहाँ पर अलग से आपका घर गा, गाँव का नाम ऑफिस का नाम भी दिखाया है और आपका डिविज़न दिखाया है तो डी ऑजिस का नाम जो है उसमें आप यहाँ से नाम देख फॉर्म भर सकते हो जहाँ आपको तो फरस कोना वगैरह तो यहाँ से आपका नाम दिखा देता है जैसे बहुत दिखा दिया तो उसमें कौन सा नंबर जाना है जैसे आप पहले डाल रोगे तो आपका नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा ठीक है दोस्तों तो सभी को डालना है तो आपको नंबर वाइज आपको प्रीफेन जमा देना है जैसे मैंने जमाया हूँ वहाँ पर नंबरिंग देकर उसके बाद सेव और प्रिंट कर देना है एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुल हो गया और ओके कर देना है तो जैसे आप दोस्तों अगर देखो अब जितना डॉलर डाले बी स्टॉक डालें तो यहाँ पर बीस स्टॉक आ गया चाहते तो पूरे में डाल सकते हो दोस्तों और इसमें ऐड करना है तो उसके लिए भी बता देता हूँ ये फॉर्म कुछ इस प्रकार से आपको भरा जाएगा इसको आपको प्रिंट करके रख लेना है दोस्तों ये देखिए ये है कुछ इस प्रकार से फॉर्म भरा गया है इसको आपको प्रिंट करके रख लेना है चलिए हम भी इसको प्रिंट करके रख लिए हैं तो अगर मान लो जाए अब इसको आपको क्या करना है दोस्तों ये एस वाला फॉर्म है हमारा आपको सिर्फ एक बार मौका दिया जाएगा याद रखिएगा दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा आपका जो भी आपका पोस्ट है उसको डालने के लिए तो जितना भी पोस्ट दिखाता है पहले आपको डाउनलोड कर लेना है जैसे मैंने डाउनलोड करने दिखाया है वैसे और डाउनलोड करने के बाद क्या करना है आपको दोस्तों जितना यहाँ पर इसको डाउनलोड करने तो बाद एक्सल फाइल खुलेगा पूरा नाम चेक कर लेना है और नंबर चेक कर लेना है दोस्तों तो इसमें नंबर कैसे चेक करना है जैसे केसरा केसरा थर्टी नाइन नंबर में तो अगर इसको पहला नंबर में जाना चाहते हो तो जीरो वन यहाँ डालना होगा तो जो जगह आपको पहले जाना है वहाँ आपको नंबरिंग करना है और जो नंबरिंग करोगे उसी के अनुसार से आपका क्या होगा फॉर्म आपका डलेगा तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको डालना है अगर इसमें भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय जय जोहार जय छत्तीसगढ़